हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम है शिवांश पसे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। मैं एक जॉब ऑफर के बारे में सोच रहा हूँ कि आप लोगों में से किसी को दिया जाए, सो इसी के साथ रिगार्डिंग मैं आप लोगों से दो मिनट बात करना चाहूँगा। सो इसको स्किप मत करिएगा, जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ इस बात को ध्यान से समझेगा। मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एक फाइंडिंग कर रहा हूँ एक रिसर्च एनालिस्ट इन द सेंस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को अब ग्रो करने की और तेजी से कोशिश कर रहे हैं। हम अपना इंस्टाग्राम को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, रेगुलरली यहाँ पर यूट्यूब के फॉर्म पे आप लोगों को मल्टीपल स्टॉक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं एंड बहुत ईजी लैंग्वेज पे और प्रेजेंटेशन पे बता रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक ईमेल मार्केटिंग करें एंड ईमेल के फॉर्मेट पे आप लोगों को एक रिसर्च रिपोर्ट एवरी वीक प्रोवाइड हो। रिसर्च रिपोर्ट इन द सेंस हो गया कि फॉर एग्जांपल फ्राइडे को मार्केट ऑफ होती है एंड सैटरडे संडे मार्केट हॉलीडे होती है। सो सैटरडे संडे आप में से कोई एक दिन हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उस पर आप लोगों को एक मेल आएगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ से, जहां पर आप लोगों को एक पूरी रिसर्च रिपोर्ट होगी। उस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इंक्लूडेड क्या होगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रीवियस वीक जो हमारा अभी हफ्ता निकला है उस पर क्या क्या हुआ, कैसे मार्केट ने रिएक्ट करा, क्या परफॉर्मेंस रही मार्केट की, नेक्स्ट वीक कौन से न्यूज़ है, कौन सी इकोनॉमिक न्यूज़ है, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट डिराइव कर सकती है, प्लस मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे रह सकते हैं नेक्स्ट वीक, निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप्स कैसे रह सकते हैं। कुछ 10-15 स्टॉक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करे जाएंगे जो नेक्स्ट वीक परफॉर्म बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक पूरी डिटेल्ड एनालिसिस की रिसर्च रिपोर्ट आप लोगों के साथ एवरी संडे शेयर करी जाएगी ईमेल के फॉर्मेट के थ्रू। सो उसी के लिए मैं ये कर सकता था बट मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिसर्च रिपोर्ट बना पाऊँ। सो मैं आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिसके पास नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, जितनी भी मैं हेल्प करूँगा मैं डेफिनेटली 100% हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एक एक चीज में बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को वो बनानी है। सो अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड, अगर आपके पास नॉलेज है, ये नहीं कि अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है तो वो भी मेरे पास आ रहा है, जिसके पास नॉलेज है वो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट मेल के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, फिर मैं आप लोगों के सामने रीच करने की कोशिश करूँगा एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन। ठीक है, सो आप लोगों को मैंने रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं, हमें प्रीवियस वीक की पूरी एनालिसिस चाहिए, नेक्स्ट वीक कैसी मार्केट रह सकती है, प्लस इकोनॉमी की वजह से कौन से डिराइव्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आरबीआई की कोई पॉलिसी आ रही है या जीडीपी का रिजल्ट आ रहा है, कोई कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, वो सारी चीज़ें उस रिसर्च एनालिस्ट पे आप लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी अपने थ्रू। सो अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इट्स अ सैलरी बेस्ड जॉब, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एंड हम लोग अपना एक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सो ये सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं गाइस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो लोग भी ये कर सकता है वो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करेगा। दूसरी चीज़, आप मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे थे कि जो मेरी स्टार्टिंग की इंस्टाग्राम की वीडियो आती है और जो आखिरी में मेरी वीडियो आती है उस पर कोई म्यूज़िक है जिसकी वजह से आप लोगों को, वो म्यूज़िक बहुत तेज है, लाउड है, उसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो डोंट वरी गाइस, आज की वीडियो में बस आप लोग झेल लीजिए वरना उसे स्किप कर देना, ठीक है। बट कल से मैं कोशिश करूंगा कोई दूसरा म्यूजिक या लाइट म्यूजिक लगा दूं, या मैं ट्राई करता हूं कि वॉल्यूम को लो करने की कोशिश करूं, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट और शेयर करना चाहूंगा, मैंने मल्टीपल स्विंग ट्रेड्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे तो मैं एक बार उसकी क्वेरीज को सॉल्व कर देता हूं बिकॉज रेगुलरली बेसिस पे उनकी क्वेरीज आ रही है। फर्स्ट आप लोगों को एक PEL दिया था, पिरामल इंटरप्राइजेस, अराउंड 1700 रुपए के लेवल पे, वो अभी 2100 रुपए चल रहा है, तो वहां पर आप लोग अपनी डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी आप लोगों को HSCL दिया था, HSCL आप लोगों ने देखा था बहुत टाइम से, 4-5 दिन एक हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा था नीचे के लेवल्स पे, अब इसने दोबारा एक ब्रेकआउट दे दिया है तो उसे बाय कर सकते हैं 40। मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे और हर जगह लेवल्स बता दिए थे कि 49.5 के नीचे हमारा वो स्टॉक इनवैलिडेट हो जाएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस है 49.5 रुपीज़ का HSCL के अंदर। दूसरा एक मैंने आप लोगों को हरक्यूलस हॉइस्ट दिया था, उस पर्टिकुलर स्टॉक पे अभी अराउंड 133 के आसपास चल रहा है, हमारी 140 की बाइंग थी। अगर कल वो नीचे जाना स्टार्ट करता है तो आप लोग अपनी लॉस पे पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा, अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं। वो स्टॉक आउट परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे हमें एग्जिट कर देना है, हमें नेक्स्ट स्टॉक के अंदर अपनी परफॉर्मेंस बनानी है। सो ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स या ट्रेड्स आप लोगों को दिए गए थे, तो अगर आप लोगों ने पोजीशन होल्ड करी हुई है तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी
वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पे एक लाइन लिखूंगा, उस पर आप लोगों को पर्सनली मुझे कमेंट करने हैं जो आपके स्विंग ट्रेड मैंने प्रोवाइड करवाया है, अगर आप उसे अभी भी होल्ड करते हैं तो मैं वहां पर आपके टारगेट सेंस स्टॉप लॉस के साथ रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोगों की यहां पर तो क्वारी सॉल्व हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कल कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक मैं आप लोगों के लिए एक स्विंग ट्रेड लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आप लोग मुझे बार बार कह रहे थे कि सर स्विंग ट्रेडिंग और आप लेकर नहीं आ रहे हैं, सो डोंट वरी, मैं यहां पर दो तीन स्विंग ट्रेड्स आप लोगों के सामने इस वीडियो पे प्रेजेंट कर रहा हूं, आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एस चांद। एस चांद मैं आप लोगों को बाय करने की सलाह दे रहा हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करवाया। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये एक जोन था जो एक रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा था। मल्टीपल बार अगर मैं आप लोगों से बताऊं तो दो साल पहले इसने 100 रुपीज के लेवल को ब्रेक डाउन करा था स्टॉक ने, और दो साल बाद जाके इसने एक ब्रेकआउट दिया है 100 रुपीज के लेवल पे। जब आप देख सकते हैं इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, दोबारा नीचे आया, मल्टीपल टाइम कंसोलिडेट करा, एक बेस क्रिएट करके दोबारा ऊपर जा रहा है। मतलब जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर रीटेस्ट दोबारा करा है। रीटेस्ट करने के बाद आज इसने एक अच्छी मूवमेंट करी, ऑलमोस्ट 10% का अपर सर्किट इस स्टॉक के अंदर लगा है। ये पर्टिकुलर स्टॉक हम लोग भी होल्ड करते हैं, हम लोग लोअर लेवल्स पे होल्ड करते हैं, बट आई पर्सनली थिंक ये आप लोगों को बढ़िया रिटर्न दे सकता है विद इन अ कपल ऑफ डेज। इस पर्टिकुलर स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट के अंदर डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टारगेट्स की। सो अभी करंट प्राइस है इसका 111 रुपीज का। इसके जो मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 130 से लेके 140 तक के कर रहा हूँ, जो कि मिनिमम है, जो मुझे लगता है 130 तो विद इन अ कपल ऑफ डेज इजीली दिखा सकता है। स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रख सकते हैं, स्टॉक पसंद आता है तो एड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई डिप मिलती है तो इस पर अपनी बाइंग भी इनिशिएट आप लोग करके चल सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, मुझे लगता है बढ़िया रिटर्न्स विद इन अ कपल ऑफ डेज ये दिखा सकता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। हमारा सेकेंड स्टॉक है HSCL। सो यस, आप लोगों को पता है HSCL ऑलरेडी मैं एक स्विंग ट्रेड दे चुका हूँ एंड मल्टीपल पीपल होल्ड करके बैठे हुए हैं, बट अगर बाय चांस किसी ने इसे बाय नहीं करा था और वो मिस कर चुके थे तो अभी भी टाइम है, आप इस पर एक बाइंग करके चल सकते हैं। इस पर भी मैंने वीकली चार्ट ओपन करा हुआ है। हिमादरी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड ये कंपनी है, आप देख सकते हैं एक सिंपल ट्राइंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट, ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक जोन क्रिएट करा हुआ था, आपको ये जोन दिख रहा होगा, इस जोन पे मल्टीपल रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद कम से कम 4 वीक तक ये कंसोलिडेट कर रहा है एग्जैक्ट उस रेंज के अंदर, और इवेंचुअली आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसका एक ब्रेकआउट हुआ, 6.5% की मूवमेंट इस स्टॉक ने करी है। तो आप लोग इसे डेफिनेटली एक बाइंग करके चल सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक। सर अब अगर हम लोगों ने अभी लोअर लेवल्स पे भी बाय नहीं करा तो क्या अभी कर सकते हैं? रिटर्न अच्छा है, डेफिनेटली गाइस रिटर्न अच्छा है। सो आप देख सकते हैं इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है, बिकॉज ये भी हाई निकल चुका है, ये भी हाई निकल चुका, तो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है ये लेवल, जिस लेवल से एक शार्प फॉल आई थी। सो ये टारगेट्स हम लोग अभी मान के चल रहे हैं कि मिनिमम 60 से 62 रुपीज के टारगेट्स HSCL दिखा सकता है। आप लोग इसे अभी भी करंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं, अगर कोई डिप आती है तो भी एड ऑन कर सकते हैं। स्टॉक के टारगेट है 60 to 62 रुपीज, अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 55 रुपीज का, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रिटर्न इसका जो है वो 12 से 13% के बीच में है। सो ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। दूसरी चीज सर, अगर हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर बाय पोजिशन बना रखी है तो क्या हम लोग और क्वांटिटीज एड ऑन कर सकते हैं? डेफिनेटली आप लोग और क्वांटिटीज एड ऑन करके चल सकते हैं, थोड़ी ज्यादा नहीं कि ये नहीं कि मैंने डबल कर ली अपनी क्वांटिटी को, बट 50% अपनी करंट क्वांटिटी पे एड ऑन और आप कर सकते हैं, और मुझे लगता है रिजल्ट आपको अच्छा मिल सकता है। बट अगर आपके पास ये ऑलरेडी है और आपके पास कुछ फंड्स अवेलेबल है तो आप लोग एस चांद में जा सकते हैं, अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं। अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं तो मैं दो ऑप्शंस पे से एस चांद आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, ना कि HSCL, बट अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप दोनों स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। लेट्स मूव टू आवर थर्ड स्टॉक एंड देखते हैं उसके अंदर क्या बढ़िया चल रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है TCS। TCS पे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है। अब मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम क्यों बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर अपने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके ड्रॉ कर सकें, बिकॉज अगर आप लोग लाइव मार्केट पे स्टडी करते हैं तो अगर ये स्ट्रक्चर आपके पास ड्रॉ होगा तो आपको एक्यूरेटली पता होगा कि आप लोगों को कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। सो इस चीज़ों को रिमेंबर करिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर बीच में वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को पॉज करके लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसी मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाते रहूंगा।
अब स्टॉक को ध्यान से समझेगा, यहाँ पर कुछ अच्छे की पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा, ये मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर रखा है, एक पर्पल कलर की लाइन है एंड एक ऑरेंज कलर की लाइन है। सो आप देख सकते हैं एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट हुआ एग्जैक्ट इस ब्रेकआउट पे मैंने आप लोगों को बाय भी सजेस्ट करा था। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं, विद इन अ कपल ऑफ डेज ही हुए होंगे ये मैंने स्टॉक आप लोगों को सजेस्ट करा था। यहां पर हम लोगों ने जब बाय करा था हमारा टारगेट ये था, हमारा टारगेट अचीव कर गया था, उसके बाद हम लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। नेक्स्ट ये दोबारा नीचे आया, रीटेस्ट करा, देखिए जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया, आप समझिएगा हर ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट देने पे ही बाय नहीं करते, हमें देखना चाहिए कि उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है। ये देख रहे हैं, ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट हुआ हमने तब बाय करा, नीचे आया क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था, नीचे आया रीटेस्ट करा और दोबारा ऊपर गया। सो यानी कि हमें एक चीज़ तो पता चल रही है कि ये स्टॉक बुलिश है क्योंकि दोबारा ऊपर जा रहा है रीटेस्ट लेके। बट एक चीज़ पता चली है कि यार यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस थे, यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया और आज के ट्रेडिंग सेशन पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया, देखिए अपसाइड करी, रेजिस्टेंस हर्डल लिया और नीचे आ गया। सो यहां पर हमारे पास अब दो डिसीजन बनते हैं, क्या हम लोगों को इसके ब्रेकआउट पे बाय करना है या एक बार नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। मेरा जो सबसे पहले आ रहा है कि अगर नीचे गिरना स्टार्ट भी करता है सो ऑलमोस्ट ये इस लेवल तक गिर सकता है जो कि 3170 रुपीज यानी यहां से 30 पॉइंट्स की फॉल कर सकता है, ठीक है। बट हम लोग इससे पहले एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करा गया तो पता चला कि एक सपोर्ट है जो कि 3190 रुपीस के आसपास है। सो क्या करना है आप लोगों को, इस पे बोथ साइड ट्रेडिंग बन सकती है। अभी करंट प्राइस है 3200 का, अगर 3190 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप लोग एक शॉर्ट बना के चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ, मैं दो टारगेट्स बताऊंगा, पहला टारगेट होगा 3183 का एंड 3170 रुपीस का जो कि मुझे लगता है इंट्राडे के अंदर आ सकता है। सो दो टारगेट्स हैं क्लोज बिलो 3190 15 मिनट्स कैंडल। अब बाय करना है, बाय हम तभी करेंगे जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी 3230 रुपीस के ऊपर। दोबारा लेवल रिपीट कर रहा हूं, 3230 के ऊपर जब 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी तो हम लोग बाय करके चलेंगे। 15 मिनट की दो कैंडल भी, अगर आप लोग और ज्यादा सेफ होना चाहते हो तो 15 मिनट की दो कैंडल भी क्लोज होती है तो भी बाय करके चल सकते हो। अब अगर इसके ऊपर बाय करते हो तो हमारे टारगेट्स स्विंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंट्राडे में नहीं। अगर इसके ऊपर बाय करते हो तो वो एक स्विंग ट्रेड होगा, यानी कि दो दिन के पर्पस से या तीन दिन के पर्पस से होल्ड कर सकते हो टीसीएस को। हमारे टारगेट्स 100 रुपये ऊपर होंगे, 100 पॉइंट्स ऊपर होंगे, यानी कि अगर आप 3230 पे बाय करते हो तो 3330 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अल्टीमेट टारगेट हमारा 3330 का होगा। अब ये कैसे फाइंड करा वो मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब प्रीवियस सारे स्विंग्स का हाईस को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो एक ही स्विंग हाई बचेगा जो कि जिस लेवल से करेक्शन आना स्टार्ट करा था टीसीएस के अंदर। सो वो हमारा टारगेट होगा अल्टीमेटली, तो यहाँ पर आप लोग एक बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं परसेंटेज रिटर्न की। सो ऑलमोस्ट ये आपको 3% का रिटर्न दे सकता है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रैली दे सकता है, ठीक है। अगर इसी लेवल से रिवर्स करता है करंट लेवल्स पे जो है, अगर यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन पे तो यही हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट अगर नीचे जाके ऊपर जाता है तो आप लोग इन्हीं लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं, मुझे लगता है इवेंचुअली इन लेवल्स पे एक बाइंग आ सकती है। सारी चीज़ों को नोट करना है, डोंट वरी, अगर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ ये स्टॉक शेयर कर दूंगा। स्टॉक का नाम है TCS। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है उसका नाम है MCX। MCX भी आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जा रही है। जितने भी स्टॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ ये एक स्विंग ट्रेड ही है, आप लोगों को विद इन अ कपल ऑफ डेज और वीक्स बढ़िया रिटर्न, मतलब ये जून के महीने में अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। सो ध्यान से सुनेगा, सारे लेवल्स को याद रखेगा तभी ट्रेड करेगा। अब आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बना रहा है, एक MCX डेली चार्ट्स मैंने ओपन करा हुआ है। ब्रेकआउट, ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, रेड कलर की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने में इसको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मल्टीपल जब इसने ब्रेकडाउन करा था फर्स्ट फेब को, ठीक है, फर्स्ट फेब को जब इसने एक ब्रेकडाउन करा था 1630 रुपीज के लेवल पे, तब से उसके ऊपर अभी तक इसने क्लोजिंग एक बार भी नहीं दी है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं इसने एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट करा, अब इसके चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट दे सकता है और अगर ब्रेकआउट देता है तो क्लोजिंग भी दे सकता है। देखिए ऊपर तो बहुत बार गया है, ऊपर यहां गया है, इधर गया है, इधर भी ऊपर जाने की कोशिश करी है बट क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। बट अगर एक बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से ही ऊपर जा सकता है।
दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि मार्केट आज हैवी सेल ऑफ पे थी, बट ये स्टॉक तब भी रिकवर करा और अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोज करा। सो यानी कि यहाँ पर बायर्स अभी भी एक्टिव है। करंट प्राइस की बात करें तो वो ट्रेड कर रहा है 1620 रुपीज़ पे, हमें बाय करना है 1630 रुपीज़ के ऊपर। जैसे ही 15 मिनट की दो कैंडल क्लोज होती है 1630 रुपीज़ के ऊपर, यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग। हमारे जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स होंगे 1800 रुपए के लेवल के। मैं दिखा देता हूँ रिटर्न वाइज आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। सो अगर आप लोग बाय करके चल सकते हैं तो ऑलमोस्ट 9 से 10% का रिटर्न आपको MCX विद इस महीने के अंदर दे सकती है। सो आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। अब देखिए ऊपर दोबारा गया था, प्रीवियस ये वाली कैंडल पे भी ऊपर गया था, तो अब हमें चेक करना है कि 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई थी, अगर हुई थी तो दोबारा नीचे आ सकता है ना, तो हमें चेक करना है कि कौन सा लेवल या कौन सा टाइम फ्रेम सेटिस्फाई है, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम लोग बाय करेंगे। सो पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मैं आया तो मैं देख रहा हूं यार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर गया था, ये देख रहे हैं ऊपर पहली कैंडल भी गई थी फिर नीचे आ गया, उसके बाद दो कैंडल भी ऊपर गई थी तो भी नीचे आ गया था। तो आई डोंट थिंक ये 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करेगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें, सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल ऊपर गई थी उसके बाद नीचे आया था। सो अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, देखिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक हेड एंड शोल्डर है, तो अगर अब ऊपर जाएगा तो शायद ऊपर जाते रहेगा, बट हम लोगों को कॉशियस रहना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वरना आप लोग इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे, ये लेवल मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, इस लेवल के ऊपर आप लोगों को बाय करना है जो कि 1645 का है। अगर 1645 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ही बाय करिएगा, या अगर आप लोग एक सेफ ट्रेडर हैं तो ही आपको ये काम करना है। अगर आप लोग रिस्क ले सकते हैं तो अगर आप 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं तो 25 से 30 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं 1630 के ऊपर, और क्वांटिटीज एड ऑन कर सकते हैं अगर 1645 का लेवल ब्रेकआउट होता है, तो इससे आपका जो पोजिशन है वो सेफ रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपको ये स्टॉक पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करिए अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। लेट्स मूव टू आवर लास्ट स्टॉक और देखते हैं उस पर किस तरीके से काम हो सकता है। सो हमारा लास्ट स्टॉक है LG ब्रॉस लिमिटेड। इस कंपनी का फुल नेम है LG बालाकृष्णा समथिंग करके। तो ये स्टॉक मेरे फ्रेंड प्रणव ने मुझे इस स्टॉक के बारे में बताया था, एंड जब से मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला इसके अंदर भी एक सिमिलर पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और एक ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ट्रेड कैसे करना, वीकली चार्ट है ये पर्टिकुलर स्टॉक का भी। आप देख सकते हैं कि इस पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप ये पर्पल लाइन को फॉलो करेंगे जो नीचे वाली लाइन है, आप देखेंगे कि मल्टीपल जब इसने ब्रेकडाउन दिया था अराउंड से, इसने भी 2 साल पहले ब्रेकडाउन दिया था 350 के लेवल को, और उसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। 2 साल से ये 350 के नीचे ट्रेड कर रहा है पर्टिकुलर स्टॉक, बट अगर अब आप देखेंगे कि यहां पर ये रुकने के लिए तैयार हो गया है, मतलब बार बार ये इसी लेवल को छूने की कोशिश कर रहा है। जब एक ही लेवल को बार बार स्टॉक आके रीटेस्ट करता है, छूता है, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट और वीक हो जाता है। वीक इन द सेंस कि वो ब्रेक होने का जो वो लाइन है वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो डेफिनेटली मुझे लगता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका एक ब्रेकआउट आ रहा है, बाय करके चल सकते हैं। करंट प्राइस है 345 रुपीज का, आपको बाय करना है 350 के ऊपर जब 15 मिनट की दो कैंडल क्लोज होंगी। 15 मिनट की दो कैंडल क्लोज होती है 350 के ऊपर, आप लोग बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट और जो अल्टीमेट टारगेट है वो वहां से 100 रुपये ऊपर है, 440 से लेके 450 रुपीज तक के टारगेट्स हैं, जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है जो रेंज कंसोलिडेशन था। सो मैं अगर आप लोगों को परसेंटेज वाइज बताऊं तो 25 से 30% के बीच का रिटर्न है ये स्टॉक आप लोगों को विद इन अ कपल ऑफ वीक्स दे सकता है। स्टॉक अपनी वॉचलिस्ट के अंदर डेफिनेटली रखिएगा, मुझे लगता है बढ़िया रिटर्न दे सकता है, एंड 350 के ऊपर ही हम लोगों को बाय करके चलना है। एक ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो रहा है, साथ में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप पे और किस तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूंगा गाइस, जो लोग भी रिसर्च एनालिस्ट की जॉब के लिए सूटेबल है, जो आप लोगों को लगता है कि आप लोग कर पाओगे चार्ट पैटर्न्स को फाइंड कर पाओगे या एनालिसिस कर पाओगे, प्लीज कॉन्टैक्ट मी एज सून एज पॉसिबल। हम लोग अभी से ही स्टार्ट करेंगे एंड सारी डिस्कशन करेंगे उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप पे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लोग अपनी एनालिसिस कर सकते हैं।
सो निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों को मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करा है। सो आज हुआ क्या मार्केट के अंदर, एक्चुअल में आप देखे होंगे कि जब मार्केट एक्चुअल में ओपन हुई निफ्टी, तो लगातार 3-15 मिनट की कैंडल एक डाउनफॉल हुई। जब 3-15 मिनट की कैंडल डाउनफॉल हुई तो उसके मतलब वहां पर एक पॉज आना इंपॉर्टेंट था। अब क्या हुआ, जब एक पॉज आया, एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाई, एक अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद ये हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली फॉर्म कर रहा है। अब आपको एक बात जाननी इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। सो यहां पर एक सेलिंग आना या रेंज बाउंड होना या वॉलिटिलिटी होना लाजमी है। सो यहां पर आप लोगों को कॉशियस होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट यहां से फॉल कर जाएगी या बहुत तेजी से फॉल आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है विद इन टू मंथ्स ये 16,000 के लेवल को भी पार कर देगी और 16,500 के आसपास भी निफ्टी पहुंच सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, कूल ऑफ हो जाइए। यस, थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगा, थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी बिकॉज लाइफ टाइम हाई पे है, तो लोगों के माइंड में थोड़ा फियर रहता है कि आप शॉर्ट करें, ऊपर खुल रहा है शॉर्ट करें। तो यहां पर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट एक ऐसी रिकवरी दिखाएगी कि वहां पर आप लोग मूवमेंट को कैप्चर कर नहीं पाओगे। सो अभी भी मैं कह रहा हूं आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अभी भी बाय करके चल सकते हैं। अब मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है, ठीक है, तो उसके पास वाला जो रेजिस्टेंस है इसका नीचे हमें सेल करना है। सो यानी कि अगर ये लेवल ब्रेकडाउन करता है कल निफ्टी, यानी कि 15,710 के नीचे मार्केट जाती है, तो आप लोग एक शॉर्ट कर सकते हैं। वहां पर जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ 15,600 के मुझे लगते हैं। सो यहां पर आप लोग एक शॉर्ट करके चल सकते हैं। दूसरी चीज, बाय कब करना है, बाय हम तभी करेंगे जब ये इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अपनी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। अगर 15,760 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होती है तो हम लोग बाय करके चल सकते हैं। यहां पर शायद मार्केट एक नए हाई को बना सकती है, निफ्टी को उस तरीके से आप लोग वॉच करके चल सकते हैं। सो ये थी हमारी निफ्टी के अंदर एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन कर दिया गया है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूं तो एक बुलिश पैटर्न, इसे हम लोग कहते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। ये देख सकते हैं, दिस इज ए, ये ए है टॉप और ये बी है। उसके बाद एक पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद एक दोबारा शार्प फॉल आई। तो अगर मैं ए बी लाइन को अगर सी डी की लाइन से कंपेयर करूं तो एग्जैक्ट सेम आता है। आप देख रहे हैं ए बी का जो फॉल आया और जो सी डी का फॉल आया एग्जैक्ट बिल्कुल सेम है। सो यानी कि ए बी इक्वल्स टू सी डी हुआ। अब यहां से एक बाइंग आती है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न अगर बनता है तो एक बाइंग आती है अगर लोअर लेवल से रिकवरी आती है। प्लस यहां पर आप देख सकते हैं एक प्रीवियस स्विंग लो का सपोर्ट भी था, तो यहां पर इसने एक सपोर्ट क्रिएट करा, अब यहां से ऊपर जा रहा है। प्लस एक साइकोलॉजिकल 35,000 का लेवल भी था जो बैंक निफ्टी ने मेंटेन करा है। बट हम लोगों को यहां पर अभी भी कॉशियस रहना है बिकॉज हम लोग ने जो ये शार्प फॉल देखी, एक पुल बैक देखा, एक शार्प फॉल कंटिन्यूस देखी, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक दोबारा आ रहा है। तो यहां पर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते बाइंग करने का, हमें बाइंग तभी करनी है जब ये 35,200 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। 15 मिनट्स की कैंडल अगर ये क्लोज करता है 35,200 के ऊपर तो ही हम लोग बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 35,400 to 35,500 के बीच का। जब ये लेवल, एक ये रेंज निकल जाएगा तो हमारे टारगेट्स 35,700 के भी आ सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 35,400 to 35,500 बिटवीन है, जब उसका ब्रेकआउट होगा तो 35,700 है। दूसरी चीज, ये जो रेंज मैंने बना रखी है, छोटी सी रेंज आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, ठीक है, ये एक रेंज है, ये रेंज मैं बता देता हूं 34,950 से लेके 35,200 की है। इस रेंज पे आप लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं करना। अगर रेंज का ब्रेकडाउन होता, अगर 34,950 के नीचे जाना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी, तो आप लोग शॉर्ट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 35,800 का एंड हमारा सेकंड टारगेट होगा 35,550 रुपीस का। सो ये दो टारगेट्स हमारे सेल साइड में है और दो टारगेट्स हमारे बाय साइड में है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट दिस एंड सेकेंड टारगेट दिस, ठीक है। आई होप ये रेंज के अंदर हम लोगों को कोई काम नहीं करना, मैं रेंज ग्रीन कर देता हूं आप लोगों के लिए, डोंट वरी। ये दो कलर ग्रीन रेंज देख रहे हैं, इसके नीचे कोई काम नहीं करना, नीचे जाएगा तो शॉर्ट है, ऊपर जाएगा तो बाय है। 15 मिनट की दोनों तरफ कैंडल क्लोज होनी चाहिए तो ही हम लोगों को अपना ट्रेड लेकर चलना है।
सो आई होप मैंने आप लोगों को गाइज एक्सप्लेन कर दिया होगा इस वीडियो पे। लेट्स होप कि 1000 लाइक से ऊपर क्रॉस करें, आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिले। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, लिसनिंग दिस होल वीडियो। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स एम फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर विद इन दिस मंथ। बाय बाय गाइज, हैव अ गुड डे, एंड आई होप आप लोग अपना डे इंजॉय करें।